पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के थाना मझोला के लाइन पार स्थित विकास नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक मकान ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया। मकान स्वामी शिव कुमार सक्सेना का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाला शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, तभी उसने एक मकान में जाकर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली मार दी। वही शिव कुमार सक्सेना की पत्नी नीलम सक्सेना सदमे में आकर बेहोश हो गई, जिन्हें उपचार के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही मीडिया से मुखातिब होते हुए दीपक सक्सेना ने बताया कि ऐसी घटना बाढ़ में होती रहती है। सर, मेरे घर में यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने लेकर के आए, सीधे से मारी है। और ये मेरे भाई की दुकान है, दुकान में बिल्कुल अंदर तक लेंटर तक की चकरा गई। यहाँ मेरी मदर खड़ी थी, मदर मेरी जान से मरने से बची है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा हाथ के हाथ है। और इतना नुकसान हुआ है, आप ये देखिए कितना इन्होंने नुकसान करा। और रोज हर बार पहले हमारे घर में यहाँ पे कंप्लेन हो चुकी है, यहाँ पे इन्होंने दीवार तोड़ी थी, तब किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब का है तो अब कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। सब ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करिए, अब कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लें हम? हमारे बच्चों के ऊपर बात है, कल को दलते हमारा पूरा घर मकान फैला लेंगे। कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं, कोई प्रशासन को कुछ करने को तैयार नहीं। हम लोग तो कहेंगे सब क्या नुकसान हुआ है सर? मेरे आप देखिए सारी ये नुकसान, सब गेट सब तोड़ दिया, अंदर दुकान में सारा सामान सब टूटा है। तो ड्राइवर को पकड़ लिया? उसे ड्राइवर को पकड़ा था, ड्राइवर को कोई वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे पुलिस थाने में ड्राइवर तो ड्रिंक करा हुआ था, ड्राइवर ड्रिंक करा हुआ था, ड्राइवर का कोई मेडिकल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। और हाई स्पीड पर दो इतनी तेज स्पीड है वो लेकर के, जिन्होंने देखा वो सब ये कह रहे हैं कि इससे इस गलती से आप ये कराए। और आप एक बताइए, यहाँ से ये लेकर के आने की तुक है कोई? हर बार हादसे के शिकार होते तो बच्चा, हमारे कार्यवाही करी नहीं, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं करी है। क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं कि परमानेंट इलाज हो यहाँ पे, हमारे घर के आगे आएंगे लगे यहाँ पे ट्रॉली आना बंद हुआ बस, हम ट्रॉली आने नहीं देंगे। अब ये अवैध तरीके से ट्रॉली आती है, अवैध ट्रॉली। आप एक बार बताइए, यहाँ से ट्रॉली लेकर जिन्हें मकान है अपने वहाँ उतरवाए, यहाँ से खुलवाए, ये इतनी सी जगह है ये लाने की। आपकी मम्मी की हालत? सर मेरी मम्मी आईसीयू में एडमिट है। तो कैसी हालत है उनकी? अभी हालत ठीक नहीं है, अभी डॉक्टर आप आएंगे। कौन सा मोहल्ला लगता है ये? विकास नगर का लगता है, श्रीनाथ धर्मशाला के पास। तब इसमें आप क्या चाहेंगे, तहरीर देंगे आप भैया? नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं हमारा परमानेंट इलाज करिए, हम जब तक नहीं हटने देंगे ट्रैक्टर ट्रॉली, जब तक परमानेंट इलाज यहाँ से नहीं होगा हम नहीं हटने देंगे। आज ये बात है, कल को हमारे घर के ऊपर बात है, कल को बच्चे हो जाएंगे।